अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूँ सिद्रा सती। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 23 मार्च के हवाले से। करारदादे पाकिस्तान के बाद से अब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या पाकिस्तान मौशी और सियासी तौर पर अब भी आज़ाद है? बात करेंगे नाज़रीन, क़याम तो हो गया मगर पाकिस्तान को अपनी बका के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फौजिया शाहिद साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिसेस फजर राबिया पाशा, सामाजिक कारकुन भी हैं और इसके साथ साथ इनका एक स्कूल है जिसे ये चला रही हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जी स्कूल की, पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन की। खुश आमदीद। सबसे पहले मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान की तारीख क्या है, 23 मार्च की क्या तारीख है? तब जब आप पहले आपने बात की तो थोड़ी सी मैं अगर इजाज़त दें तो करेक्शन कर दूं। आपने कहा कि 23 मार्च 1940 के बाद पाकिस्तान की सूरत है, तो पाकिस्तान पहले तो आप 7 साल निकाल दें, देर वज़न और पाकिस्तान, पाकिस्तान 47 के बाद आते हैं। लेकिन ये है कि ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि इब्तदा जो है उसी करारदाद से जो है वो हो गई थी जो मंटो पार्क में। उस वक्त भी पाकिस्तान जंग लड़ रहा था अपनी अपने लिए और अब भी पाकिस्तान जंग ही लड़ रहा है, तो मैं उस सेंस में कहना चाह रही हूँ कि उस वक्त की जो तारीख और अब क्या है। बरे सगीर की तारीख की हम बात करते हैं और बरे सगीर की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि जद्दोजहद की एक बहुत तवील दास्तान आती है। लेकिन 1940 के बाद, 23 मार्च 1940 के बाद हमने ये देखा कि एक नई जो कुव्वत है उस जद्दोजहद को मिली थी, जो बिला शुबा 1857 के बाद शुरू हो चुकी थी और आज़ादी के हवाले से भी बात हो रही थी, लेकिन उसमें जो एक बहुत बड़ी कुव्वत थी वो हमने ये देखा कि इस करारदाद के बाद हुई और उसी से एक पाकिस्तान का जो अगर हम ये कहा जाए कि एक शक्ल हमारे सामने आ गई कि एक अलहदा मुल्क की बात हो गई। बिल्कुल, क्योंकि जब कांग्रेस की बात हो रही थी, पहले जब बात हो रही थी आज़ादी की, ज़रूर बात हो रही थी, लेकिन उसमें जो पाकिस्तान का या मुसलमानों की आबादी का तस्वुर है वो उसके बाद आया और उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत तेज़ी के साथ एक पूरी कौम जो है वो एक परचम के तले, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने वाज़े तौर पे ये तकसीम जो है आ गई कि जहाँ मुसलमानों की आबादी उसकी बात की जाने लगी, मुसलमानों के मुल्क की बात की जाने लगी, वो एक हम उसको ज़रूर कहेंगे। लेकिन उसके बाद जो जद्दोजहद है वो तो सब हम जानते हैं कि किस तरह कायद आज़म के, जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ सतह पे पाकिस्तान के केस को प्लीट किया, पाकिस्तान के हवाले से जहाँ उन्होंने एक बिल्कुल आज़ाद मुल्क की बात की, वो एक 47 की शक्ल में हमें ज़रूर दिखाई दिया। अगली बात जो है, हमें ज़्यादा जो है, मैं हमेशा ये कहती हूँ हमें ज़्यादा तवज्जो ये देना चाहिए कि हमारे जो अकाबरीन थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो उन्होंने एक जद्दोजहद करके जो मुल्क हासिल किया, जो 1940 के बाद हमने एक तसलसल के साथ शुरू कर दिया, तो उसके बाद हमारा क्या किरदार है, मैं हमेशा इस पे ज़्यादा बात करती हूँ। हमारी जो बात आती है, जब पाकिस्तान की बात आती है, तो वो हमें ज़रूर देखना चाहिए कि क्या उन मकासद को, जो ज़ाहिर है इसको करारदादे मकासद भी कहा जाता है, करारदादे पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्या वो मकासद हम पूरे कर सकें, ये जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए होता है। और इसी दौरान हमने ये देखा, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि हम कहीं कोई, जिस तरह अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि हमने कुछ हासिल नहीं किया या हम बेहतर तौर पर आगे नहीं गए, रुकावटें भी आती हैं क़ौम की, जब ज़िंदगी की बात की जाती अच्छा, है बुरा वक्त तो उसमें सब कुछ होता है, लेकिन अक़वाम में मायूसी नहीं होनी चाहिए, जो मैं बुनियादी चीज़ समझती हूँ कि अक़वाम की तारीख जो है अप डाउन जरूर रहते हैं, लेकिन उसको किसी तरह ये हम नहीं कह सकते कि ये कोई हमने कौम जो है वो पीछे की तरफ चली है या कुछ है। नुकसान हमने बहुत किए हैं, ये मैं नहीं कहूंगी कि हमने कोई नुकसान नहीं किया, हमने बहुत नुकसान किए, लेकिन उन नुकसानों से हम बचकर दोबारा अपने पैरों पर खड़े, ये कहा ये तो मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल अपनी कौम को और उसकी थोड़ा सा इतिहाद जो होना चाहिए उसको हमें सराहना चाहिए कि जिसकी वजह से हम थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते रहते हैं, नहीं तो बहुत जगह पे हमें तो बाकायदा पीछे धकेला गया है। बिल्कुल ऐसे ही वो आगे आगे यकीन आप, लेकिन वो हम वो कौम हैं जो ना डरे हैं ना मिटे हैं। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके नज़दीक पाकिस्तान की जो तारीख थी और अब उसकी क्या अहमियत है, मतलब गुज़िश्ता जो हमारी तारीख थी अब आप उसकी अहमियत कैसे देख रही हैं? देखिए, तारीख तो किसी भी कौम के लिए जो आपकी हिस्ट्री होती है बहुत उसकी वैल्यू होती है और उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, प्लस हमारा ये है ना कि आप देखें जब 1940
आपकी जब रेजोल्यूशन पास हुई थी, तो वो मैं समझती हूँ कि दैट वाज द प्लेटफॉर्म जिस पे हम फिर सब एक पे यूनाइट हो गए थे कि हाँ जी हमें पाकिस्तान चाहिए और हमने इसके लिए स्ट्रगल करनी है। और सबसे मैं जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि फिर उसके बाद सिर्फ 7 साल का गैप था और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप सब लोगों ने जब मिलकर उस पर काम किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो हमने उस चीज़ को अचीव कर लिया। उससे पहले हमारी एक आइडेंटिटी की स्ट्रगल ज़्यादा चल रही थी कि हम मुसलमान हैं और हम अपनी आइडेंटिटी किस तरह मनवाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और वो ज़्यादा हमारा क्राइसिस था और बहुत लंबी हमारी स्ट्रगल चली। लेकिन जब हम एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट हो गए और हमने एक चीज़ में आई थिंक बिलीव कर लिया, और वो आपकी एक वहाँ से स्ट्रगल जो है मैं समझती हूँ कि वो एक नया फेज़ हमारा शुरू हो गया था स्ट्रगल का। और अब जहाँ तक कि हम बात करते हैं इस टाइम की, तो जैसे मैडम ने कहा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, लेकिन हम एक यंग नेशन भी हैं और आप एक एक हर नेशन की एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, एक डेवलपमेंट होती है, हमारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हिस्ट्री है हमारी, बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है बिल्कुल, और समथिंग हमें जिस पे बहुत फ़ख्र होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत हम एक बहुत रेजिलिएंट नेशन है, बहुत रेजिलिएंट नेशन है। मैं हम लोग उस दिन भी तो डिस्कस कर रहे थे कि अभी जैसे न्यूजीलैंड में इतना ज़्यादा बड़ा वाकया हुआ और हम एज ए नेशन कितना चीज़ों को हमने कितने ज़्यादा लोग लूज़ किए हैं, हम जो ये हमारी टेररिज्म वॉर ऑफ टेररिज्म के अंडर हमारे और कितने मसले मसाइल हैं, हमारे हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम है, हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हमारा भी बहुत हाई है। आप जहाँ देखेंगे आपको प्रॉब्लम नज़र आएगा, लेकिन लेकिन हम लोगों ने आगे बढ़ना नहीं रोका, हम लोग मैं समझ फिर भी आगे बढ़ते हैं, उम्मीद हमें बहुत ज़्यादा है और हमारी जो आगे हमारा फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है वो बहुत ब्राइट है। तो कॉन्स्टेंटली अगर आप जैसे इकोनॉमिक हमारी डेवलपमेंट पे देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जैसे इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। मैं आज सुबह पढ़ी थी जैसे एक और एक अमेरिकन चेन है, तो वो आ रहे हैं पाकिस्तान और इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों उन्होंने डिसीजन लिया? क्योंकि इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइंस है। तो ठीक है, हालात मुश्किल लेकिन डिफिकल्ट है, लेकिन अच्छा मैम आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि करारदादे जो लाहौर है उसे करारदादे पाकिस्तान का जो लकब है वो अमजदी बानो साहिबा ने, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अहलिया थी, उन्होंने कहा पेश किया था, मगर कहीं भी तारीख में आज हम उनका जिक्र क्यों नहीं करते? देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है, और मेरा ख्याल है कि हमें अपनी तारीख को हमने कभी भी बेहतर तौर पे आगे नहीं किया, जो मेरी हमेशा से शिकायत रही है, तारीख दानों से भी रही है, और जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उससे भी मुझे हमेशा ये शिकायत रही है कि हमने, मुझे समझ में नहीं आता कि हम ये हमारे जो असल हीरोज़ थे हमने उनको क्यों छुपाया। लेकिन जब हम इस सरजमीन की बात करते हैं ना, इस धरती की बात करते हैं, तो जो जदोजहद की बात करते हैं, ज़ाहिर है कि आज़ादी की जदोजहद जो है वो सिर्फ हमारे एक खत्ते के लिए नहीं थी, बल्कि वो जो जदोजहद थी वो अगर आप उसका जायज़ा लें तो ज़ाहिर है कि पूरा बरसग़ीर की जदोजहद थी, जिसमें इस इलाके के तमाम लोगों ने भरपूर जदोजहद की थी, उसमें मज़हब से हट के, क्योंकि ये तो बाद में एक आ गया कि आपने पाकिस्तान का जब इजरा किया है, पाकिस्तान बनाने की बात की है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ जो जदोजहद हो रही थी उसमें हिंदू सिख ईसाई कोई भी ऐसा नहीं था जो आज़ादी की तहरीक में शामिल नहीं सभी था, आज़ादी के सब शामिल थे। इस सरजमीन के लिए जब हम बात करते हैं तो हमने एक अपने जो बच्चों को पढ़ाया, हमने भी गलती से वही पढ़ा, बाद में कोशिश की कि कुछ और मज़ीद पढ़ा जाए और जाना जाए कि जदोजहद का असल मकसद क्या था और उस जदोजहद में कौन से किरदार थे। तो हमने देखा कि जो तारीख में हमने बहुत महदूद किरदार रखे, और मेरे लिए जो थोड़ा सा सवाल है जो मैं बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिक हूँ कि हमने जो एक ऐसा तबका था, मसलन नवाबुल मुल्क या नवाब जो बड़े वो थे, हमने उनको तो एक अपनी तारीख का हिस्सा बनाया, जदोजहद का हिस्सा बनाया, लेकिन भगत सिंह टाइप जो वो जदोजहद जो ग्राउंड्स में थी उनको हमने नज़रअंदाज कर दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि हम असल हिस्ट्री हमें जानना चाहिए, हमें जिस तरह अभी आपने नाम लिया मेरे ख्याल में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा का जो जिक्र है वो हमारे लिए बहुत अहम है। इवन हम ये देखते हैं कि कायदे आज़म सॉरी इलामा इकबाल की जो वालदा थी या उनके घर से भी जो बातें आती थी सामने, तो उनका भी हम जिक्र नहीं करते, और भी बहुत से ऐसे किरदार हैं कि जिनका हम जिक्र नहीं करते। तो मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ कि आपको स्कूल में जो भी पढ़ा दिया है, कॉलेज में पढ़ा दिया है, उसके अलावा उन हीरोज़ को जिनको अनसंग हीरोज़ कहा जाता है उनको पढ़ें,
उससे आपको पता चलता है कि जिद्दोजहद सिर्फ ऊपर की सतह पे नहीं थी कि आप लीड कर रहे हैं केस, आपके घर के अंदर चाहे वो रेड रुमाल की शक्ल में थी, चाहे वो रोटी मूवमेंट की शक्ल में थी, वो आपकी गली मोहल्ले में सरायत कर रही थी और वही जद्दोजहद थी जिसके नतीजे में ज़ाहरा के बरतानिया का जो ताज है वो हिल गया था। सिर्फ ऊपर की अगर सतह पे हम देखते हैं, ठीक है, हम उनकी जो खिदमात हैं उनसे भी किसी तरह भी हम चश्मपोशी नहीं कर सकते, उसको कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन जो गली मोहल्ले की जद्दोजहद थी उसका तस्करा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं सॉरी आपकी बात काटी कि मैं जैसे आपने कहा कि इसमें जो ख़वातीन का रोल था वो भी हाईलाइट नहीं हुआ। अब फातिमा अली जिना का जैसे उनका उनका रोल था, लेकिन उनका रोल ज़्यादा हाईलाइटेड इसलिए रहा क्योंकि अब क्योंकि कायद आज़म की बहन थी, वो ऑब्वियसली पूरे आगे स्ट्रगल में फ्रंट पेज पे थी, बिल्कुल थी। लेकिन फिर और भी बहुत सारी ख़वातीन थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा आप समझे कुर्बानियाँ दी हैं, उस वक्त के नॉर्म्स को तोड़ के वो आगे आई, उन्होंने पॉलिटिकली पार्टिसिपेट किया, जब हालांकि उस टाइम में आपका कोई वो कल्चर नहीं था कि वो मुसलमान घरानों से ख़वातीन जो है बाहर निकलेंगी और वो उसको पार्टिसिपेट करेंगी, तो उन्होंने भी इक्वली पार्टिसिपेट किया और ये चीज़ हाईलाइट नहीं होती। और यहाँ पर मैं ब्लेम करूँगी थोड़ा सा मीडिया को, क्योंकि अभी भी हमारा वही कल्चर चल रहा है इन अ वे कि कुछ लोगों की स्ट्रगल्स हाईलाइट हो जाती है, फेयरली हाईलाइट होती है। मैं ये नहीं कहती कि किसी की अनफेयरली हाईलाइट हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी स्ट्रगल्स जो है किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा। और वो क्यों नहीं पता चलेगा कि हम एजुकेट नहीं। देखिए जहाँ हिस्ट्री की बात है तो वहाँ पे तो आपके तालीमी निज़ाम का सबसे ज़्यादा बड़ा आपका आप समझे कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वो बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है। तो ये तो एक हिस्ट्री और पाकिस्तान की हिस्ट्री को किस तरह क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले जैसे एजुकेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे आपका जो हमारा एजुकेशन का जब क्राइसिस की हम बात करते हैं, एक तो हमारे बहुत सारे क्राइसिस हैं एजुकेशन में भी, लेकिन किस तरह तालीम मुहैया की जा रही है, का क्या तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा जो है अहमियत के। तो हिस्ट्री बच्चों को पढ़ानी और हर बच्चे को अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए और डिटेल में पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर वाली नहीं होनी चाहिए कि बस आपको थोड़ा बहुत पता है। ये मुल्क है और इसकी एक बुनियाद है, देखिए अगर बुनियाद ही हम आगा नहीं होंगे तो आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत साल इंग्लैंड में गुजारे और मैं आपको बता सकती हूँ कि वहाँ पर हमारी जो पाकिस्तानी आप समझे जो माइग्रेंट कम्युनिटी है उधर कितना आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है ना, मतलब ये बहुत सारी ये आपकी फाउंडेशन दिखाती है कि आपकी क्योंकि फाउंडेशन मैं समझती हूँ कि तालीम से बिल्ड होती है बिल्कुल ऐसे एक सोसाइटी की, तो ये कितना ज़्यादा आपका वहाँ पे गैप है। ये हमारे स्कूल्स का काम है कि वो एक बच्चे को उसकी पूरी तालीम उसको दी जाए, और फिर जो हाईलाइट करने वाला काम है वो मीडिया का काम है। जी अच्छा, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फौजी मैम, बताइएगा कि जैसे आपने आप देखते हैं कि हम अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं, करारदाद पाकिस्तान मंजूर तो हो गई, लेकिन इस्तेहकाम के लिए हमें इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ी है? देखिए, पहले तो मैं जो अभी बात हो रही थी अगर उसी को थोड़ा सा लेते हुए चलें आगे, हमें एक चीज़ का इदराक होना चाहिए कि हमने बच्चों को किस तरह फेयरली आगे लेके जाना है, वो हम नहीं कर पा रहे। अभी ज़िम्मेदारी हमने स्कूल्स पे भी डाल दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन सूरत हाल ये है कि बच्चे को पढ़ाया क्या जा रहा है, सिलेबस कौन बना रहा है, किस नोयत का बन रहा है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और चूंकि हम अपनी बुनियाद को एक डीपली उसको रूट तक नहीं पहुंच रहे, हम एक पूरी ऊपर से हिस्ट्री शुरू करते हैं, गहराई में नहीं जाते, जिसकी वजह से हमें मसाइल मुस्तकिल रहते हैं। आज तक हम ये बड़ी अच्छी बात है कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपने एक सिस्टम इवॉल्व कर लिया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, आपने एक सिस्टम बना लिया और आपने
सोच लिया, बिला शुबा इसमें दो दफ़ा हमने देखा कि बहुत बुरी तरह हमारे सिस्टम को जो है जमहूरियत के हवाले से देखते हैं कि उसको सेटबैक हुआ, दो दफ़ा डिक्टेटरशिप आई बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद ये है कि एक हमने सोच लिया कि हमने कौन सा सिस्टम रखना है। जब आप सिस्टम डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आपका इस्तेकाम आता है। हम तो इसी की वजह से जो है वो मुख्तलिफ सतह पे देखते रहे कि हमारे सिस्टम डेवलप नहीं हो सके, और आज तक हम ये देखते हैं कि जद्दोजहद के दौर में गुजर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये एक जो जिसको मैं थोड़ा सा अच्छी बात ये कहूँगी कि हमने ये पिछले 10 साल से एक जो प्रैक्टिस की है, दो हुकूमतें हमारी बहुत अहम तरीके से अपनी मुद्दत पूरी करते हुए ज़ाहिर है कि वापस गई और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, इसी तरह हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारे दो जो हैं उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की और इलेक्टेड प्रेसिडेंट आए, तो ये एक महज़ब जो ममालिक की चीज़ होती है उसको हमने अडॉप्ट किया है, ये एक बेहतर चीज़ है। अब ये सिस्टम जो है ये जो तसलसल रहेगा तो हम एक जिसको हम ये कहते हैं ना कि बार बार जद्दोजहद क्यों करते हैं, हम उससे निकल आएंगे, फिर हम एक मुस्तहकम जो है सूरत हाल से होंगे और दुनिया को भी ये बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लिमानी निज़ाम जो है वो एक बेहतर तौर पे आगे चल पड़ा है और हम उसी तसलसल के साथ जो है आलमी दुनिया को एड्रेस कर सकेंगे। क्योंकि हम तो जब एड्रेस करते थे मसलन दुनिया का एक जो कुलिये होते हैं दस्तूर होते हैं, जब हम एड्रेस करते थे तो हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो साइड पे रख दिया जाता था, तो कौन किस पे एतमाद करेगा। तो हमारे साथ ये मसलसल जो मसाइल रहे हैं और ये 58 से हम देख रहे हैं कि ये उस वक्त के जो आर्टिकल्स मतलब अब तक कितने फॉलो हो रहे हैं, मतलब क्या फॉलो हो रहे हैं जो उस वक्त के आर्टिकल्स। देखिए ये जो अगर कहा जाए कि उसी पर बिल्कुल सेट हो जाए तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होता और मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मसलन मैं अक्सर मेरा जो उस वक्त सोवियत यूनियन था और आपको मालूम है कि वो एक सोशलिस्ट उनका निज़ाम था, तो मेरी उनके साथ भी जो उस वक्त सोवियत थे उनके साथ मेरी शदीद किस्म की बहस होती थी कि आप लोग स्टालिन पे रुक गए, सिस्टम को रोका नहीं जाता, हालात के तकाज़ों के मुताबिक उसको बढ़ना चाहिए, उसमें तब्दीलियाँ भी आनी चाहिए, उसमें ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। तो हमने ये देखा कि जब ये जो मैं जैसे सोवियट्स की मिसाल दे रही हूँ, उन्होंने जब अपने सिस्टम को वहाँ रोक लिया 1923 तक, तो हमने क्या देखा कि 1991 में वो सिस्टम कोलैप्स हो गया। लेकिन एक बहुत बहुत ही प्रोमिनेंट आर्टिकल है हमारा जिसमें हमारे हर 10 साल बाद जो है वो मर्दमशुमारी होनी चाहिए, लेकिन वो 19 साल बाद। यही चीज़ें जो है देखिए, अब वही आपकी उसका वजह क्या है, वो जो मैं कह रही हूँ कि डिस्टर्ब जो होता है सिस्टम, आपका डिस्टर्ब सिस्टम हो जाता है 58 में आपने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है 56 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है 58 में आप डिस्टर्ब कर देते हैं, जब आपकी जो है वो जमहूरियत संभलने लगती है तब मार्शल लॉ आ जाता है। और दूसरा ये एक जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सूरत हाल है कि आपकी जमहूरियत के दौर में मसलसल जो है लोगों के जहनों पर खौफ रहता है कि कहीं ये टॉपल ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। आप ये देखिए पिछली जो गवर्नमेंट ख़त्म हुई है मियां नवाज शरीफ की, मेरे ख्याल में दूसरे साल ही ये शुरू हो रहा था कि मार्शल लॉ के बिल्कुल शायद कोई आ रहा है, अभी गवर्नमेंट है अभी भी ये इसी किस्म का तासुर है। चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला कि जब तक मैं मौजूद हूँ तब तक वो ठीक है, लेकिन इदारे मजबूत जी जी, तो ये एक मैसेज जो है ना ये हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। और बिल्कुल मतलब मैं समझती हूँ कि ये जो अब जैसे गवर्नमेंट आई है और जो कॉन्स्टेंटली हम एक चीज एक मैसेज हम दे रहे हैं कि अभी इस दफा आपकी आर्मी और सारे स्टेक होल्डर्स ऑन एक पेज पे, फॉर एग्जांपल, तो वो रिगार्डलेस कि क्या पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वो मैसेज जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी जो हम इस वक्त चेंजेस देख रहे हैं साथ, आई एम रियली सॉरी टू से, ये कहीं कोई मैसेज नहीं है कि एक पेज पे हैं, अपने अपने इदारे हैं, अपना अपना दायराकार है, आप वहां तक रहें, ये क्या मतलब है कि अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट चलेगी। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, वो मैं बात नहीं करी, लेकिन क्योंकि जो आप ये हमारी जो भी हिस्ट्री जो अभी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर आप देखें ना, जो आपकी हिस्ट्री जैसे आपने बात की कि अभी जैसे जमहूरियत संभलने लगी तो मार्शल लॉ हो गया, ऐसे ही है। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, डेवलपमेंट तब तक नहीं होगी जब तक एक आपको तसलसल नहीं होगा, एक सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, चीज़ें नहीं बदलेंगी। आप जितना मर्जी आप बात कर लें, जितने मर्जी आप आइडियाज़ लें, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री के मुताबिक वो यही है कि हमेशा सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री कि आपस में
देयर इज ऑलवेज बीन अ क्लैश. तो ये आपको, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जब आप बात करते हैं, जब आप जियोपॉलिटिकली बात करते हैं, तो वहाँ से बाहर से तो लोग बैठ के यही देखते हैं ना कि आप कैसे मुल्क में जाके इन्वेस्ट करेंगे जब अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको पता नहीं कल क्या हो जाएगा. तो वो मैसेज, वो आपकी मैं बात बिल्कुल दुरुस्त मानती हूँ कि हर इदारे को अपना रोल अपने इंडिपेंडेंटली उसको अदा करना चाहिए. मिलिट्री का अपना रोल है, सिविल गवर्नमेंट का अपना रोल है, मीडिया का अपना रोल है, सबका अपना अपना रोल है, और किसी को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन एन आइडियल वर्ल्ड. अच्छा, लेकिन मैं आपका कि हम इदारे नहीं बना रहे, हमें बिल्कुल इदारों पे इनसार जो है वो एक बिल्कुल आरजी बात होती है. इदारे बनाने बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इदारों की जो चेक एंड बैलेंस इवैल्यूएशन भी बहुत जरूरी है. गवर्नेंस पे आ जाते हैं ना सारी आपकी इसको आप ये जो है ये हमारा मेरे ख्याल में हम कुछ शायद अपनी बेहतर तौर पे आवाम की पॉलिटिकल तरबियत भी नहीं कर सके. आवाम में एक बार बार ये कुछ फिंगर छोड़ दिया जाता है. एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या मीडिया 23 मार्च के हवाले से, सिवाय गाने लगा के नाच गाना करके मॉर्निंग शोज़ में जो ये चीज़ें कर रहे हैं, क्या एक जिसे कहते हैं जिम्मेदारी का काम कर रहा है? क्या मीडिया ज़िम्मेदार है हमारे बच्चे, हमारा जो भी मुआशरा है वो चैनल्स को, टीवी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, एक चौथा सतून है मुल्क के लिए, तो क्या वो बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं? देखिए, अगर मुख्तसर कहा जाए तो मैं तो कहूँगी नहीं, ठीक है. लेकिन यह है कि ये चूँकि इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें आपका जो अब दूसरा टॉपिक है वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर डिटेल नहीं बात कर रही. उसमें दायरा कार में रहेंगे. इसको मैं ये यहाँ ज़रूर ये कहूँगी कि 23 मार्च की जो अहमियत है या 1940 के हवाले से, क्योंकि आप अपनी जो तारीख है उससे हटके आगे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते. आपको कुछ रूल्स चाहिए होते हैं, कुछ आपको ज़िंदगी गुजारने के ज़ाहिर कवायद चाहिए होते हैं, उसी पे आप आगे जाते हैं. तो वो जो कवायद हैं वो तो ज़ाहिर है कि उसका प्रचार ये नहीं है कि सिर्फ 23 मार्च को करके बच्चे इसी पर खुश होते हैं, छुट्टी है, तो ये नहीं होता. लेकिन कैसे प्रोग्राम्स और ऐसी चीजें आम दिनों में भी करनी चाहिए? बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए. मैं जैसे अभी आपसे बात कर रही थी, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, हमारे जो अनसंग हीरोज हैं उनको क्या हम पूरा साल वो किसी तरह का एजाज नहीं दे सकते? क्या हम उनका तस्करा नहीं कर सकते? क्या ज़रूरी रह गया कि हम 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान की बात करें? आप बहुत से तरीक़ों से ये मैसेज देते रहना चाहिए. और उसमें खैर ये जो जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, मैं ये समझती हूँ कि इसने तो जर्नलिज्म का बेड़ा गर्क कर दिया. अब अगर आप कहें कि ये जर्नलिज्म है तो मैं इसको जर्नलिज्म मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये इसमें ग्लैमर ज़्यादा आ गया है. जैसे आपने मॉर्निंग शोज़ की बात कर दी, इसमें सिर्फ ग्लैमर के अलावा कुछ नहीं है. और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमने सोशल इश्यूज़ को छोड़ दिया, हमने जो हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें उनको छोड़ के सिर्फ पॉलिटिक्स को अपना एक ओढ़ना बिछोना बना लिया. अच्छा, एक मैं सवाल और करना चाहूँगी, क्या पाकिस्तान सियासी और मौशी तौर पर एक आज़ाद मुल्क है? आई थिंक हम उस तरफ जा रहे हैं, हम बिल्कुल उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो अब आपकी जो सस्टेनेबिलिटी आई है ना डेमोक्रेसी में पिछली दो गवर्नमेंट्स में, लेट्स होप कि ये भी गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करे, मेरे ख्याल से हम उस तरफ जा रहे हैं. लेकिन हमारे अभी इश्यूज हमारे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने एड्रेस करनी है. और हमारे अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें, वो मैं फिर वही बात, मैं ये बात बिल्कुल एग्री करती हूँ. और मेरी बहुत ज़्यादा एक्चुअली आप समझें कि वो आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं सारे मीडिया फ्रेंड्स से कि हम लोग सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं करते. हम पॉलिटिकल बात पे हम लोग बैठ जाएंगे, हम पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना, जिसका कोई नतीजा. और ठीक है, आप करें, लेकिन एक हद तक करें, क्योंकि आप साथ साथ आपको जब अपने सोशल डेवलपमेंट आपने देखना है तो वो भी तो मीडिया का साथ में आपका एक वो बन जाता है ना, उनका रोल है जो बहुत ज़रूरी है. मैं एजुकेशन पर काम करती हूँ, गर्ल्स एजुकेशन पर काम करती हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल पर जाके बैठ के उसके बारे में बात करूं. क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम चैनल सोशल इश्यूज पे बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अब उनके वही आपका जो स्कोरिंग सिस्टम व्हाटएवर जो भी ये सारा कुछ है वो नहीं आपका जी उसके अंडर नहीं आएगा. तो फिर आप उसको एज अ सीएसआर देख लें. मतलब ये कहती हूँ कि आप कुछ तो करें ना, आप लोग क्या रोल प्ले करें. अगर आप जैसे तालीम का इतना बड़ा क्राइसिस है हमारे, मतलब शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे मुल्क दूसरे नंबर पे आता है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की. जब हम बात करते हैं हमारे मुल्क में कम से कम 23 मिलियन बच्चे, और ये भी हमें पता नहीं है ये फिगर ठीक है कि नहीं, अभी वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट, पर एटलीस्ट 23 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में स्कूल जा ही नहीं रहे 16 साल से कम उम्र के. अच्छा, कौन इसको हाईलाइट करेगा, कौन इसके बारे में बात करेगा?
आप ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूट कर रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन क्राइसिस इतना बड़ा कि गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज नहीं है उसको करने बिल्कुल के लिए, right? ऐसे ही लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्रोग्राम का वक्त चूँकि जो है ख़त्म होने वाला है, मैं जानना चाहूँगी कि जो आज का नौजवान है वो कल मुल्क की भाग दौड़ के लिए क्या कुछ कर सकेगा। देखिए मेरा ख्याल है, मैं हमेशा नौजवानों से बहुत पूरी उम्मीद होती हूँ। नौजवान किसी भी मुल्क का ऐसा तबका होता है कि जिसमें ख्वाब भी होते हैं और आगे बढ़ने की जस्तजू भी होती है, और उसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि वो जो तरक्की का जो तसव्वुर होता है वो उसी में होता है नौजवान का जी। अब उसके हम नौजवान को क्या वो मौके दे रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। मैं ये समझती हूँ कि जब वो फ़र्ज़ किया जो भी अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं जी, उसके बाद जितना हम नौजवान को मायूस करते हैं वो तमाम उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं, जो तरक्की करने की जज्बा होता है या उसका बढ़ने का जज्बा है, वो ख़त्म कर देते हैं। नौजवान के लिए बाकायदा तौर पे हमारी जो प्लानिंग डिवीजन है इसको बहुत ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए। जब हम ये बात करते हैं कि हमारा 64% नौजवान है तो किसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है, रियासत की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उनको किसी जगह मायूसी से दो चार ना किया जाए, उनको उनकी तालीम के मुताबिक उनको फौरी तौर पर ऐसे मौके दिए जाएँ। मैं नौकरी को इतना ज़्यादा नहीं समझती, लेकिन ऐसे मौके जिसमें वो अपनी जो ग्रूम कर सके, अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पे आगे कर सके, तो इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, आने वाला पाकिस्तान किस कदर रोशन है? देखिए आने वाला, मैं जिस तरह अब चीज़ें बदल रही हैं उसमें मुझे आने वाला पाकिस्तान बहुत रोशन लगता है, लेकिन जो जहाँ पे ये यूथ की बात आती है, जो दो हमारे मेरे ख्याल से रिस्क फैक्टर्स जिसको हमें बहुत नज़र में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये यूथ का जो हमारा बल्ज है ये बहुत हमें पॉजिटिवली आगे भी लेके जा सकता है और ये हमें बहुत पीछे भी धकेल सकता है। क्यों? अगर उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, जब आपके मुल्क के आधे बच्चे तालीम स्कूल में जा ही नहीं रहे, तो आप सोचें कि उन बच्चों का क्या होगा जब वो 20 साल के हो जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे, होंगे, क्योंकि वो तो अपॉर्चुनिटीज कोई एक्सेस कर ही नहीं सकते ना। तो एक तो आपके आधे 2.5 करोड़ बच्चे आप कह रहे हैं कि वो दे विल नॉट हैव एनीथिंग, राइट? फिर जो अभी जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, उधर आपके दो मेजर इशूज हैं। लड़कियाँ जो जा रही हैं और वो अपनी एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन वो उनको आगे कल्चरल बैरियर्स की वजह से उनको फिर आगे से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो बहुत बेहतरी आ चुकी है बहुत गर्ल्स की एजुकेशन, लेकिन काफी नहीं। मैं आपको जब आप पूरा अगर आप जब देखते हैं ना सिनेरियो पूरे पाकिस्तान का या पूरे पाकिस्तान के स्टैट्स और फिगर्स देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चियां एक्सेस कर पा रही हैं, यूनिवर्सिटी तक पहुंच पा रही हैं, वो बहुत नंबर कम है, शरह कम है, लेकिन बहुत बेहतरी आ चुकी है गुज़श्ता सालों के हिसाब से। उसमें देखें तो उनको वो यूनिवर्सिटीज जा रही हैं क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली ये सिटीज़ में आपका कल्चर चेंज हो गया है कि बच्ची जितनी तालीम याफ्ता होगी उतना ही उसका अच्छा रिश्ता मिलेगा, सॉरी टू से, राइट? ये चीज़ें आपको अगेन वो चीज़ें जो हैं वो रिश्ते और वो उन्हीं चीज़ों से लिंक कर दी जाती हैं। लेकिन देखिए उस बच्ची की जो आगे एस्पिरेशंस है उसने लेकिन चलिए प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं काटना नहीं चाह रही थी लेकिन वक्त थोड़ा है, ज़रूर हम इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में जो है वो लड़कियों की तालीम के हवाले से बात करना चाहेंगे, और मैं चाहूँगी कि आप उसमें आएँ और कुछ कीमती जो है वो राय लोगों को भी दें। लेकिन कुछ कहना चाहेंगे आखिर में आप लोग पाकिस्तान के हवाले से, 23 मार्च है और इस हवाले से आप लोगों के क्या जज्बात हैं? मैं तो पाकिस्तान को समझती हूँ कि एक मेरा जो है इश्क है पाकिस्तान, मैं आपको साफ बताऊँ, और इसी इश्क की वजह से मैंने बहुत से जो बैरूनी मुल्क मौके हैं वो मैंने ज़ाया किए हैं। इस धरती से मेरी जो मोहब्बत है वो मैं चाहती हूँ कि उस तरह बरकरार रहनी चाहिए, और लोगों के लिए भी मेरा यही है कि देखें इस सरजमीन से मोहब्बत करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप कुछ कहना चाहेंगी? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये कि एक अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें हमारे पास हमारा मुल्क है, हमारे पास एक अपनी आइडेंटिटी है, और हमारे ऊपर एक एज अ कॉम हमारे पे जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको आगे लेके चलें और एक दूसरे को ब्लेम करने की गेम से निकल आएं और अपना जो किरदार है काम करें। आप अपना जो आपका रोल है आप वो प्ले कर लें ठीक तरीके से, बाकी आप दूसरे को दूसरे पे छोड़ दें जी। तो ताकि हम आगे बढ़ सकें, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा हैं, हम लोगों के पास मिनरल से लेके पानी से हर चीज़ हर जगह जहाँ आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम ये कर लेते हैं सही तरह से तो फिर आई थिंक आगे बढ़ने में कोई कमी नहीं है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने कीमती टाइम से हमारे लिए वक्त सर्व करने के लिए। जी नाजरीन,
जैसे कि आप जानते हैं 23 मार्च है, जैसे कि प्रोग्राम में डिस्कशन हुई है कि हम सबको मिल के भविष्यती कौम साथ चलना होगा, तालीम के मौके पैदा करने होंगे, अपने निसाब को बेहतर बनाना होगा जिसमें हम अपनी तारीख के बारे में एक बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें, ताकि ये जिम्मेदारी हमारी स्टेट पे भी आयद होती है और हमारे तालीमी इदारों पे भी आयद होती है और बहसीयत कौम हम पे भी आयद होती है कि जो जो हम बेहतर कर सकते हैं अपने मुल्क की बका के लिए करें। इसी के साथ मैं सिद्रा सत्ती चाहती हूँ इनसाइट से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।